तो हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। जय हिंद सर। आज का हमारा टॉपिक बाय पार्ट। क्या टॉपिक है? बाय पार्ट। बाय पार्ट का इंतजार आपको बहुत टाइम से था भी, तो वही टॉपिक है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाय पार्ट। देखो लिखा भी हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखें, बाय पार्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका यूज चैप्टर 8 में भी और चैप्टर 9 में भी है। चैप्टर 9 में तो ज्यादा यूज है इसका बाय पार्ट। ओके, तो जरा स्टार्ट करते हैं इसको, बाय पार्ट को जल्दी जल्दी। देखो भाई, बाय पार्ट एक टॉपिक है हमारा, और इसको इंटीग्रेशन का बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.6 है। इसमें बेसिकली दो तरह के सवाल आएंगे। एक तो आएंगे नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, एक तो आएंगे बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल बाय पार्ट वाले, और एक क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर थ्योरम वाले, थ्योरम भी आएगी इसके अंदर। तो बाय पार्ट जो एक्सरसाइज है, इसके मैं दो लेक्चर बनाऊंगा, एक आज वाला और एक इसका सेकंड पार्ट आएगा, पार्ट टू आएगा। ओके, दोनों लेक्चर है इसके अंदर। आज हम नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद थ्योरम वाले नेक्स्ट पार्ट में, इसके अंदर थ्योरम वाले भी आएंगे, और एक टाइप और आती है नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सी टाइप आती है? नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों चीज देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, बाय पार्ट की शुरुआत होती है। बाय पार्ट को इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, लेकिन ब्रॉडली इसे बाय पार्ट के नाम से ही जाना जाता है। होता क्या है, दो चीजें आपके पास मल्टीप्लाई में होंगी, दो वेरिएबल आपके पास मल्टीप्लाई में होंगे, एंड यू नीड टू इंटीग्रेट। जब जब दो वेरिएबल आपके पास मल्टीप्लाई में होंगे, एंड यू नीड टू इंटीग्रेट, पुराने जितने भी मेथड हमने अब तक सीखे हैं वो सारे इसमें फेल हो जाएंगे। ठीक है, लेट वाला, दूसरा पार्शल, फॉर्मूले, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, सारे मेथड इसके अंदर फेल हो जाएंगे। तो अपने आप में यूनिक मेथड है, नया मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है। ऑलराइट, तो सभी बच्चों को बड़े आराम से इसको सीखना है। दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होंगे, पहला स्टेप फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज, दूसरे वेरिएबल का इंटीग्रेशन। पहला स्टेप फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। बात समझ आई? बोल के बताओ जरा एक बार। ठीक है, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। अगला, इसके बाद माइनस आएगा। क्या आएगा इसके बाद? माइनस। अब जरा देखते हैं किस किस को आइडिया है, क्या लग सकता है इसके बाद? मुझे पता था, मुझे पता था, आप सबने बिल्कुल गलत बोला है, बिल्कुल गलत बोला है। ठीक है, अलग है इसका। देखो, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस आएगा, इसके बाद होल इंटीग्रेशन आएगा, इसके बाद एक ब्रैकेट आएगा, यहां पर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव होगा बेटा, इनटू सेकंड वाले का फिर से इंटीग्रेशन होगा, और जो ये प्रोडक्ट आया ना, ये इसका दोबारा इंटीग्रेशन होगा ओवरऑल। तो दिस इज द रूल, एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है। ठीक है, वन मोर टाइम, फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका होल इंटीग्रेशन। आ गया? यस सर। बोल के बताओगे जरा एक बार, दोबारा बोलो एक बार। पहला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो इनका रिजल्ट आ रहा है ना, इनका जो रिजल्ट है इसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये है आपका बाय पार्ट। ठीक है, इतना आसान नहीं था कि फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इसका अपोजिट, ऐसे नहीं था, बिल्कुल ही यूनिक है अपने आप में। ठीक है बेटा, ध्यान रखें। दूसरी जो इसके अंदर बात आती है ना, इसके अंदर फर्स्ट सेकंड आईलेट के हिसाब से लेट किया जाता है, यानी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, आईलेट के हिसाब से फर्स्ट सेकंड डिसाइड होगा। कैसे डिसाइड होगा? आईलेट के हिसाब से। मतलब इनवर्स फंक्शन अगर होंगे, इनवर्स उसे फर्स्ट माना जाएगा, अगर इनवर्स फंक्शन होंगे तो। इनवर्स अगर नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वालों को फर्स्ट माना जाएगा। लॉग वाले भी नहीं है तो एल्जेब्रा को फर्स्ट माना जाएगा। एल्जेब्रा के अंदर कौन कौन आएंगे? एक्स आ गया, एक्स की पावर 8 आ गया, 9 हो गया, 2 हो गया, कॉन्स्टेंट, अंडर रूट एक्स हो गया, इस टाइप के। और अगर ये भी नहीं हुआ तो ट्रिगो को फर्स्ट माना जाएगा। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल को तो हमेशा सेकंड नाम दिया जाएगा, एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकंड का नाम दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा सेकंड का नाम दिया जाएगा। तो बताओ बेटा, बाय पार्ट का फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हुआ? ठीक है,
दो चीजें मल्टीप्लाई में होंगी, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होंगे, पहला एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन का ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड डिसाइड अपनी मर्जी से नहीं होगा, आइलेट के हिसाब से होगा। इनवर्स को फर्स्ट माना जाएगा, इनवर्स नहीं है तो लॉग को फर्स्ट माना जाएगा, लॉग नहीं है तो एल्जबरा को फर्स्ट माना जाएगा, एल्जबरा नहीं है तो ट्रिगो को फर्स्ट माना जाएगा, एक्सपोनेंशियल तो हमेशा सेकंड रहेगा। ठीक है, प्रायोरिटी इसके अकॉर्डिंग सेट होगी। ऑलराइट, अब देखो इंपॉर्टेंट, इसका जलवा देखना, इसका जलवा क्या है, जिस चीज का इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में बाय पार्ट से उनका इंटीग्रेशन किया जाता है। एग्जाम्पल, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन याद है आपको? नहीं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको याद है? लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। लॉग का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता। साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन मालूम है आपको? नहीं। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है? आया ना? टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम, सेक इनवर्स का नहीं मालूम, कॉट इनवर्स का नहीं मालूम। जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता वो बायपार्ट से सॉल्व होते हैं मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। कुछ चीजों का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, कुछ चीजों का इंटीग्रेशन होता ही नहीं। ठीक है, तो जिस चीज का इंटीग्रेशन नहीं होता वो किससे सॉल्व होगा? बायपार्ट से। इंटीग्रेशन में जिसका कोई नहीं होता उसका बायपार्ट होता है, उसका बायपार्ट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, चलो जी, न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल देखो एक्स्ट्रा आ गया। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं, लॉग का इंटीग्रेशन होता ही नहीं, याद ही नहीं है हमें। लॉग का डेरिवेटिव तो हमें याद है 1 बाय एक्स, लेकिन लॉग का इंटीग्रेशन होता ही नहीं। तो देखो ऐसे होगा ये सॉल्व, ध्यान देंगे बेटा सारे लोग। सबसे पहले नाम दिया करो इसे आई का। अब देखो ये लिखा है यहाँ पे लॉग एक्स, ठीक है जी, लेकिन यार बायपार्ट के लिए दो चीजों को होना तो जरूरी है, फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ तो एक ही चीज है, नहीं समझे? अरे बायपार्ट के लिए दो चीजों का होना जरूरी है या नहीं? है या नहीं? यहाँ पे तो एक ही चीज है, तो मैं काम कर देता हूँ ना, इंटू में मैं वन लगा दू, इससे कोई दिक्कत है तुम्हें? वन इंटू लॉग, लॉग ही रहेगा। ठीक है, वन ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं? वन लगाने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं। इंटू में मैंने वन लगा दिया है, तो ये स्पेशल टेक्निक आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर दो एक्सप्रेशन आ गए, आप इसमें फर्स्ट सेकंड डिसाइड करो, कैसे होगा डिसाइड? आईलेट के हिसाब से, आई एल ए टी ई, ऐसे होगा। इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, इनवर्स है ही नहीं, आगे बढ़ो, लॉग को मानेंगे फर्स्ट। मुबारक हो, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, तो ये कौन हो गया फिर? सेकंड एक्सप्रेशन। हमेशा जब भी बाय पार्ट लगाते हैं वी ऑलवेज राइट बाय पार्ट, लिखना पड़ता है हमें बाय पार्ट। ठीक है, ध्यान देना जरा बेटा, ध्यान देना जरा, पहला एज इट इज, पहला एक्सप्रेशन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, लिखने का तरीका है ना, पहला एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो ऐसे लिखता है, इसके बाद माइनस आना है, ओवरऑल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट आना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन है बच्चे? लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये रहा, और ये ओवरऑल बंद हो गया और बाहर डी एक्स है। ये बताओ आंसर आ गया या फॉर्मूला फिट हुआ है? फॉर्मूला फिट हुआ है। अब बड़े आराम आराम से धीरे धीरे एग्जीक्यूट करेंगे इसे। देखो जी लॉग एक्स तो ऐसी रहेगा भाई साहब, वन का इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स लगा दो यहाँ पर, बात खत्म, वन का इंटीग्रेशन एक्स, प्लस सी नहीं लगाना, प्लस सी एंड में लगाएंगे, पूरे इंटीग्रेशन में प्लस सी एक ही बार लगाते हैं जब आंसर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि 10 इंटीग्रेशन के साइन लगे हुए तो 10 बार प्लस सी आएगा, ठीक है, एक ही बार एंड में लगाना है। आगे बढ़ेंगे बेटा, माइनस ये ऐसी रहेगा, लॉग का डेरिवेटिव इंटू ये रहा इंटू वन का इंटीग्रेशन एक्स, वो वाला देखो डीएक्स सेफ है ऐसी कैसी, हाँ या ना? ये बोल रहे हैं मुझे उड़ा दो, उड़ा दो, क्या कर दो? उड़ा दो, बचा क्या? लॉग एक्स इंटू एक्स, ऐसे बिंदु से एक्स इंटू लॉग एक्स देखने में अच्छा सा लगता है, एक्स इंटू लॉग एक्स देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर यहाँ क्या बेटा बचा? बच्चों यहाँ क्या बचा? वन, बस हो गया जी, मुबारक हो, आपका आंसर आने वाला है, बस एक्स ऐसी रहेगा, लॉग एक्स ऐसी रहेगा, माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी, तो ध्यान रहे ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो ये न्यूमेरिकल सीबीएसई में कई बार आ चुका है, आता रहता है आपके यूटी में, आपके हाफ ईयरली, आपका जब जब एग्जाम होगा वह पूछते हैं,
वाइवा का सबसे बेस्ट है ये वाला सवाल टीचर पूछते हैं लॉग का इंटीग्रेशन, बच्चा एकदम जोश में बाहुबली सर में जवाब देता है वन अपॉन एक्स, टीचर हंसता है तुम भी हंसते हो लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता कि मैंने गलत क्या बोल दिया, बहुत देर के बाद रियलाइज होता है अरे यार मैंने तो गलत ही बोल दिया, ठीक है yes. तो ध्यान रहे लॉग का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, वी नीड टू डिराइव इट लाइक दिस, हो जाएगा yes. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और आ गया देखो साइन इनवर्स एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता, तो जिसका कोई नहीं होता उसका बाय पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर सवाल बाय पार्ट से हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। चलो जी यहाँ पर भी हम इसमें आई नाम दे देते हैं पहले से, और यार दो चीजें होनी चाहिए तो इनटू मैं वन मान लेता हूँ, साथ में क्या साइन इनवर्स एक्स है और ये डी एक्स है, चलो जी आई लेट के हिसाब से कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, आई लेट के हिसाब से इनवर्स फर्स्ट है, तो इनवर्स यहाँ पे है ये फर्स्ट और ये वाला एक्सप्रेशन हो गया मेरा सेकंड, जब भी मैं बाय पार्ट लिखूंगा आई ऑलवेज कमांड बाय पार्ट, लगाओ जरा बाय पार्ट, पहला एक्सप्रेशन एज इट इज बहुत अच्छा, माइनस माइनस नहीं इनटू इनटू फर्स्ट का इंटीग्रेशन, लिख के दिखाऊं या डायरेक्ट लिख दूं एक्स, तो आप भी अब डायरेक्ट लिखना, आप भी अब एग्जाम में डायरेक्ट लिखना, फॉर्मूला फिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा दो, नो प्रॉब्लम नो इश्यू, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है, आई रिपीट फर्स्ट एज इट इज वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस, यहां तो लगाना ही पड़ेगा, इतना डायरेक्ट भी लिख सकते, ठीक है लिख तो सकते लेकिन आना भी तो चाहिए ना, है ना, इतनी बड़ी जंप नहीं मारनी है आराम से, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर इनटू वन का इंटीग्रेशन एक्स, साथ में ये रहे आ गया। अब देखो ये चीज वही बन गई जो 7.2 में सीखी थी, इंटीग्रेशन ध्यान रखना राउंड है, इंटीग्रेशन राउंड है, इट रिपीट इटसेल्फ, पुराना अगर नहीं आएगा तो अटक जाओगे, 7.2 अगर नहीं आएगा तो अटक जाओगे, और वैसे भी 7.2 तो इंटीग्रेशन की सोल है आत्मा है, ये तुम्हें आनी चाहिए अच्छे से, तो देखो आप इंटीग्रेशन का छोटा 7.2 का सवाल में बन चुका है, क्या करना होता है लेट कर लो, किसे कर लो खोपचे वाले, तो खोपचे वाले को लेट करो, क्या लेट करोगे बेटा टी लेट करो, डेरिवेटिव इसका बनता जीरो, इसका क्या आएगा माइनस टू एक्स साथ में बराबर, कौन फालतू है माइनस का, हटा दो भाई हटा दो, चल भाई उधर चला जा फालतू, यहाँ पे आ जाओ, आगे बढ़ रहा है सवाल, एक्स साइन इनवर्स एक्स लिख देता हूँ मैं, से जानबूझ के एक्स को आगे लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत से बच्चे बड़े महान होते हैं वो कहते हैं मेरे से इसका दुख देखा नहीं जा रहा, ला इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके स्क्वायर बना दू, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, एंगल में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है इसलिए उसे बाहर लिखना है, यहाँ पे आ जाओ बेटा, देखो भाई एक्स और डी एक्स रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हुआ भाई एक्स और डी एक्स, माइनस वन बाय टू ले आओ बाहर, तो माइनस वन बाय टू बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या वन अपॉन रूट थ्री, अब गेंद आपके पाले में है, अब फॉर्मूला अगर याद होगा तो सवाल होगा, वरना भाई आप मुझे देखो मैं आपको देखूंगा, हम सब बोर्ड को देखेंगे, सवाल हो गई, ठीक है वन अपॉन रूट का इंटीग्रेशन, वन अपॉन रूट का इंटीग्रेशन बोलो बेटा टू रूट टी, बहुत बढ़िया, प्लस में क्या है सी, एक्टिंग तो जबरदस्त कर लेते हो तो, ठीक है टू से टू आंसर क्या आ गया एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब आपका टेस्ट आने वाला है बच्चों क्योंकि छह एक्सरसाइज हो गई है हमारी, ठीक है सात एक्सरसाइज इनफैक्ट हो चुकी है, तो आपका टेस्ट भी आने वाला है, टी की वैल्यू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आएगा ये लो जी पास, ठीक है तो बाय पार्ट एक अलग ही अपने आप में चीज है भाई, इसका सवाल ना जेई मेंस में भी रहता है और सीबीएसई में भी इसका सवाल रहता है, ठीक है बाय पार्ट तो वैसे भी देखो अपने आप में दिख ही रहा है आपको इसकी इंपॉर्टेंस, इसीलिए सबसे एंड में आया, इसीलिए सबसे एंड में आया, वीआईपी था ना सबसे एंड में इसने एंट्री दिया, तो बताओ बाय पार्ट पकड़ में आ गया yes. अब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, ये रहा क्वेश्चन एनसीईआरटी 7.6 क्वेश्चन नंबर 2, दो चीजें दिख रही हैं आपको, कितनी चीजें दिख रही हैं oh. बताओ कौन सी फर्स्ट होगी कौन सी सेकंड होगी, अगर किसी ने उल्टा मान लिया तो करके देखना, ये गलत नहीं आएगा, स्टक हो जाओगे, लूप लग जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है मतलब वो चीजें ना बढ़ती चली जाएंगी, मतलब जो प्रोडक्ट है ना वो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, हर केस में नहीं होता कुछ केस में हो भी जाता है, ठीक है तो इसलिए आईलेट को फॉलो करो, बताओ जी कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, सवाल को हमेशा नाम देना है किसका आई का, क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने, ठीक है क्वेश्चन की नंबरिंग बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है बच्चों,
तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आई एल ए, आई भी नहीं है एल भी नहीं है ए, एलजेब्रा है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। बाय पार्ट लगा दीजिए, बाय पार्ट फटाक से जवाब आना चाहिए। पहला एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस यहाँ लगा दो, यहाँ पर माइनस आगे लगाओ, माइनस का कॉस 3x, लेकिन डिवाइड में 3 भी आएगा। चेन रूल का बोल पा रहा है भाई साहब, चेन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे फॉर्मूला लगा लेते हैं चेन रूल को भूल जाते हैं, ध्यान रखना है इसको। ये मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आपको भी एग्जाम में डायरेक्ट लगाना है, ध्यान रखना है ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है जो दोनों के बीच में। अगला स्टेप माइनस आएगा, इंटीग्रेशन का बड़ा वाला साइन आएगा, पहले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 3x, लेकिन डिवाइड में 3 भी आएगा। बोलो बच्चों हाँ या ना, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, माइनस एक्स एज इट इज, कॉस 3x एज इट इज, बच्चा लोग माइनस माइनस प्लस हो गए, अंदर ये दो चीजें हैं कि एक ही चीज है, एक ही चीज है भाई, 3 तो कांस्टेंट है, 1 तो कांस्टेंट है, नॉर्मली हो जाएगा, ये वाला माइनस तो बाहर आ गया, बचा कॉस 3x, कॉस 3x का इंटीग्रेशन जवाब दो साइन 3x, लेकिन अपॉन में 3 भी आएगा तो 9 हो जाएगा, 9 क्यों हो जाएगा, चेन रूल, सारा खेल चेन रूल का है, प्लस में सी, मुबारक हो, आंसर आ गया। तो बताओ बाय पार्ट पकड़ में आया कि नहीं आया, है आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसकी। अगला सवाल आ गया, देखो बाय पार्ट से लगाओ जी, ठीक है। अगर एक दो सवाल में दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मौके और आ रहे हैं, मौके और आ रहे हैं, बस मेरे साथ जुड़े रहो, इंटैक्ट रहो, ठीक है। देखो जी बताओ जरा, पहले तो सवाल को नाम देते हैं हमेशा आई का, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, क्यों आई होना चाहिए, बस नहीं है लॉग है तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। अब जरा जल्दी जल्दी आप जवाब दोगे, पहला एज इट इज अच्छी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एक्स का इंटीग्रेशन जरा बोलो एक्स 2/2, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन आ गया, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, एक्स का इंटीग्रेशन 2/2, बताओ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिपीट, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसका पूरे का ओवरऑल इंटीग्रेशन, ये जो dx है ये इसके साथ है। इसके बाद तो सवाल यार खुद ही हो गया, इसको बस अरेंज कर लो, x²/2 log x आगे लिख दो, सजा दो से, मेकअप कर दो इसका थोड़ा सा, ये देख रहे हो ये उड़ गया, ये क्या बचा x/2, यहाँ क्या dx, मेकअप से याद आया, अक्षर में आया क्या, ये क्या बचा x/2, यहाँ कितना है log x, बताना जरा x का इंटीग्रेशन पावर कितनी है, 1 बोलो, इसकी 2/4 प्लस में c, बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया, बाय पार्ट में कॉन्फिडेंस आ रहा है, आसान लग रहा है, रुको सबर करो, अभी आते आते देखते हैं फिर पूछूंगा आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा, वैसे आसान नहीं है अगर मेहनत करोगे तो। अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, अगला क्वेश्चन कर दू या रहने दू, अरे वाह थैंक यू सो मच, तो CYS और CYA, इसका मतलब कंप्लीट यूरसेल्फ एंड कमेंट योर आंसर, ठीक है, वैसे हो जाएगा ये इतना मुश्किल, ये बता दो फर्स्ट कौन होगा, अरे वाह ये फर्स्ट होगा और ये वाला सेकंड होगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन ये वाला छोड़ दो बता दू, चलो बता रहा हूँ, ILAT के हिसाब से ये फर्स्ट होगा और ये कौन होगा, ज्यादा काम करवा दो तुम मेरे से, बाय पार्ट लगाओ बेटा इधर, चलो लगाओ जी बाय पार्ट, प्यारे बच्चों पहला एज इट इज कोई दिक्कत नहीं है, इनटू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव लॉग एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव, लॉग एक्स की पावर 2 का, तो पहले चेन रूल लगेगा इसके अंदर, 2 आगे आएगा, पहले 2 आगे यहाँ क्या आया लॉग एक्स, फिर लॉग का होगा 1/x, ये बन रहा है चेन रूल, डेरिवेटिव के अंदर ही चेन रूल लगा, भाई लॉग एक्स की पावर कितनी है 2, पहले पावर का होगा ना 2 आगे आया, लॉग एक्स की पावर 1, फिर लॉग का होगा 1/x, ये तो सिर्फ डेरिवेटिव हुआ है, ये तो सिर्फ डेरिवेटिव, अब क्या होगा एक्स का इंटीग्रेशन, बोलो तो इंटीग्रेशन 2/2, साथ में क्या आएगा, क्या बात है, लेकिन इतना भी मुश्किल था नहीं वैसे ये x²/2, अब छोड़ दो क्या, अरे रहने दो, मरे मरे मन से बोल रहे हो छोड़ दो रहने दो, चलो पूरा बता देता हूँ तुम्हें,
देखो भाई 2 से 2 हो गया कट, x से x कट हो गया, बेटा ऐसे लिख दो उसे x इंटू लॉग x। देखो बाय पार्ट फिर से लगेगा इसके अंदर, क्योंकि दो वेरिएबल स्टिल मल्टीप्लाइड है, अगेन बाय पार्ट। एक क्वेश्चन के अंदर बाय पार्ट एक से ज्यादा बार लग सकता है। दोबारा बोलो, ये फर्स्ट होगा आई थिंक, और ये कौन होगा सेकंड। अगेन बाय पार्ट, अगेन बाय पार्ट। बाय पार्ट का इस्तेमाल चैप्टर नंबर 9 में बहुत ज्यादा है। जिसको बाय पार्ट आता है समझ लो चैप्टर नंबर 9 उसे आ गया अभी से, ठीक है। लिस्ट में लिख दो कि मुझे चैप्टर नंबर 9 आ चुका है, करने की जरूरत नहीं है अगर बाय पार्ट आता है तो। चलो जी, यहाँ देखो ब्रैकेट लगाना भाई साहब, ब्रैकेट का पूरा इस्तेमाल होगा। जब भी देखो बेटा, अगर ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, x का इंटीग्रेशन बताओ x स्क्वायर बाय 2, यहाँ क्या आएगा माइनस, इंटीग्रेशन का आ गया साइन, लॉग का डेरिवेटिव x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 साथ में dx, और ये ब्रैकेट, ब्रैकेट हटा दुर्घटना, ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना है, ब्रैकेट का, ठीक है। कुछ होने वाला है, देखो आंसर से आने वाला है, मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर बाय 2 ये मल्टीप्लाई है लॉग एक्स का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस, ये क्या है इसे बेटा ठीक से लिखी लो, पहले एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख लो, साथ में कितना है बच्चे लॉग एक्स, ये माइनस है x से x कट गया, यहाँ पे सिर्फ x बचा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 4, 4 क्यों हो गया क्योंकि नीचे पहले से 2 था और एक और 2 आया होगा, मेरे ख्याल से आंसर आ गया, बस मुबारक हो। एक स्टेप और हो सकता है क्या, ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के सारे साइन डन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों सवाल में, अगला क्वेश्चन आ गया, ये तो यार खुद कर लेना हो जाएगा ना, बस ब्रैकेट का ध्यान रखना, बताना जरा कौन फर्स्ट होगा, फर्स्ट है और ये एक स्टेप लगा देता हूँ मैं, फर्स्ट एज इट इज। चलो जी ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का वन का एक्स माइनस आएगा, लॉग का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन वन का एक्स हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो एक्स है ना इसे अंदर भेज दो, यार पूरा ही कर दिया मैंने तो ये, चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वन अपॉन एक्स को अंदर भेजो तो देखो अंदर जाएगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। चलो पूरा ही कर देता हूँ, क्या एहसान लेना आपका मुझे, एक्स की पावर 3/3 सन्नी पाजी, पाजी इसका बता दो, एक्स की पावर 3/9 और वन का एक्स प्लस में क्या आ गया सी, और यू गॉट योर आंसर, आसान है। आगे बढ़ रहे अगला क्वेश्चन, अब देखो कुछ बातें आ रही है, कुछ नोट है ये नोट, ठीक है, कुछ ट्रिक्स है, ये बाय पार्ट नहीं है, ये दो बातें जो लिखी है बाय पार्ट नहीं है, ये अभी जो अगली वाली स्लाइड में न्यूमेरिकल आएंगे ना उनके अंदर बीच में इस्तेमाल होंगी ये चीजें, ठीक है। तो अगर मैं अभी से बता दूंगा तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा और आपका भी काम आसान हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये पहले नोट के तौर पे बता रहा हूं, ध्यान देना जरा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और आपको ये बात मालूम है जब भी चीजें डिवाइड में होती है इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि क्वेश्चन रूल होता ही नहीं है। तो जब भी कुछ ऐसा आ जाए ना तो जैसा नीचे है वैसा बनाओ, एक प्लस वन करो और एक माइनस वन करो, और नीचे वाले को मत छेड़ो बिल्कुल भी, बोलो पहले हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये क्यों हो सकता है, वन से वन कट के बाद देखो वही है, अब कर दो उसे सेपरेट, इस पूरे के अपॉन में जब ये पूरा आएगा तो वन नहीं आ जाएगा, ऐसी जब वन के अपॉन में ये आएगा तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, बोलो बच्चों हाँ या ना, बल्ले बल्ले बाकी सब बल्ले बल्ले, अब हो जाएगा इसका अलग करो इंटीग्रेशन, इसका अलग करो, बताओ जोशी जी नहीं आएगा, जोशी जी नहीं कहा, जोशी जी हमारे बताओ वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, और बेटा इसका तो मैं इंटीग्रेशन याद ही है यार, टेन इनवर्स एक्स है ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखो ये टेक्निक है, अब जो अगली वाली स्लाइड में न्यूमेरिकल आएगा वहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते इस स्टेज पे आ जाएगा, उसके बाद मैं मुस्कुराऊंगा, तुम भी मुस्कुराना, क्यों, क्योंकि मैं उसको वहीं पर ही छोड़ दूंगा, क्योंकि उसके आगे इंप्लीमेंटेशन ऐसे होगी, कर लोगे। चलो जी ये रहा सवाल, एक और देखो जरा, ये एक और ट्रिक है, ठीक है, ये उससे भी अगली वाली स्लाइड में आएगा, ऐसा जब कभी आ जाए तो इंटीग्रेशन हो नहीं पाता इसका, इसका इंटीग्रेशन हो नहीं पाता, तो व्हाट वी डू, देखो बेटा जैसा नीचे है ना वैसा बनाओ ऊपर, ऊपर क्या एक्स स्क्वायर, तो यार यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया, बाहर माइनस हटा दिया,
कोई दिक्कत? अरे माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगी तो प्लस ही तो बन जाएगा। ठीक है जी, और देखो बच्चों जरा ऊपर ना मैंने वन लगा दिया इसके साथ में प्लस का, तो एक माइनस का भी वन लगा दिया, कोई ऐतराज है? कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि देखो वन से वन कट रहा है। अब कर दिया मैंने अलग अलग, इसके अपॉन में अलग कर दिया अंडर रूट वाला भैया, ये अलग आ गया, और इसके अपॉन में अंडर रूट वाला भैया अलग आ गया। बोलो भाई समझ आया बच्चों? याद करो यार ये दोनों ब्रैकेट ना सेम है, ये अंडर रूट इसकी, ये अंडर रूट के अंदर, ये बिना रूट में और ये रूट के अंदर है, दोनों सेम है। तो तुम्हें याद है ना जब रैशनलाइजेशन वगैरह इसका होगा तो कुछ ऐसे ही तो आ जाएगा, आया ना? दोबारा बता दूं, देखो इस ब्रैकेट की होल पावर कितनी है वन, और इस ब्रैकेट की होल पावर कितनी है हाफ, तो वन में से जब ये ऊपर जाएगा तो वन में से हाफ लेस होगा तो हाफ ही बचेगा, तो हाफ का मतलब अंडर रूट। ऐसे करके समझ लो, ये रैशनलाइजेशन वाले से समझ लो बात, जैसे भी तुम्हें समझ आए वैसे समझ लो। ये चीज तो बच्चों ऐसी रहेगी, ठीक है? यहां तक चीजें आ चुकी हैं, अब इंटीग्रेशन का लगेगा इसके अंदर फॉर्मूला। ये बेटा वो वाला फॉर्मूला है जो 9 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने 7.4 की पार्ट वन वीडियो, ठीक है? पार्ट वन, उसके अंदर 9 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही लगेगा। ये ए का मतलब वन का स्क्वायर है, ऐसे कर दो इसे वन का स्क्वायर, ए का मतलब क्या है? वन का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, लगाना भाई जरा, माइनस तो बाहर रहेगा। क्या फॉर्मूला होगा इसका? x बाय टू अंडर रूट में सेम प्लस ए स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स और x, ये तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है? और साथ में कौन है ये? इसका इंटीग्रेशन, इसका तो हमें इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद है, साइन इनवर्स x होता है, नहीं पता? साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो जब भी कोई सवाल ऐसा आएगा तो इस तरीके से डील होगा, और कोई सवाल अगर ऐसा आएगा तो इस तरीके से। ये बाय पार्ट नहीं था, ये दो जो नोट हैं ये बाय पार्ट नहीं है, तो मैंने क्यों बताया तुम्हें? अभी जो न्यूमेरिकल आएंगे उनके अंदर यूज होगा, न्यूमेरिकल आ गया, ये राजे न्यूमेरिकल एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। अब लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। बताओ जरा कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा? पहले तो उसे नाम दे दो फर्स्ट का, ये फर्स्ट होगा और ये कौन होगा बेटा? सेकंड, ठीक है? जोश के साथ लिख दो यहाँ बाय पार्ट, ठीक है? जोश के साथ, जोशी जी तो आए नहीं हमारे आज, तो फर्स्ट एज इट इज, ठीक है जी? एक्स का छोटे वाला जोशी जी तो आए, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट एज इट इज एक्स का इंटीग्रेशन एक्स टू बाय टू माइनस, ठीक है? हाँ जी बेटा, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, ठीक है? एक्स का इंटीग्रेशन एक्स टू बाय टू, यहां तक बोलो बच्चों, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो अरेंज कर लो, पहले से चीजें ऑटोमेटिक रिलेट करेंगी, अब जरा देखना। वन बाय टू तो बाहर ले लो बच्चों, ये वाला टू, ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? हंसो, मुस्कुराओ, क्यों मुस्कुराओ? ये वही है, ये वही है जो अभी हुआ था, बता दू या रहने दू? चलो बता देता हूँ, तुम क्या रहे हो, मरे मरे मन से बोल रहे हो तुम, रहने दो पूरा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो बेटा इसके अंदर एक प्लस वन कर दो और एक क्या कर दो? माइनस वन, जैसा नीचे है वैसा बनाना होता है इंटीग्रेशन की टेक्निक, क्योंकि डिवाइड बाय इंटीग्रेशन हो नहीं पाता, ठीक है? वन बाय टू ऐसी रहेगा, हाँ जी, जब ये चीज इसके अपॉन में जाएगी तो वन, और इसके अपॉन में जाएगी तो जिंदा रहेगी ऐसे। नाउ आंसर आने वाला है आपका एक्स स्क्वायर बाई टू, आंसर आ चुका है टेन इनवर्स एक्स, आंसर आ चुका है वन बाई टू, बिग ब्रैकेट वन का इंटीग्रेशन, और इसका तो पता ही है आपको क्या होता है। मुबारक हो जी, आपका आंसर आ गया फ्रेश फ्रेश, ताजा ताजा, ये आंसर। एक स्टेप और हो सकता है क्या? वन अपॉइंट टू के अंदर बल्कि, ठीक है? हर एक सवाल का आंसर एनसीईआरटी से मैच कर लेना, ठीक है? एक स्टेप इसमें और हो सकता है, उसके बाद एक स्टेप और हो सकता है, टेन इनवर्स वाले एक साथ लिख के ना वो कॉमन ले लेता है, ठीक है? तो आंसर मैच जरूर करना है आपको, पूरा पूरा मैच होना चाहिए, कर लोगे? एक और आगे बेटा सवाल ये रहा, ठीक है? बोलो जरा इसके अंदर कौन फर्स्ट है कौन है? वेरी गुड वेरी गुड, ये फर्स्ट है। सवाल को नाम देते हैं बाई का, और यहाँ लिखते हैं बाय पार्ट। एम टी सर, एम टी ब्रो, बाय पार्ट लगाओ जरा। पहला एज इट इज इंटीग्रेशन टू बाई टू, ठीक है? ध्रुव आएगा, ध्रुव
पीछे अच्छा ओम के पास ही बैठा हुआ है. वेरी गुड. माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव बेटा बोलो माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की 2/2. अब देखो यहाँ पर ना बच्चे स्टक हो जाते हैं, यहाँ पर ना डेडलॉक हो जाता है, यहाँ बच्चा फंस जाता है, कहता है इसके बाद नहीं होता मेरे से. तो ये वही चीज है जो मैंने अभी नोट बताए थे दो अंडर रूट वाला. ठीक है, ये टूल्स है आपके, ये टूल्स है. ऑलराइट, नहीं सीवाई इस नहीं करेंगे, इसको भी आपको पूरा ही बता देंगे. तो 1/2 ले लो बाहर, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता ना वरना बच्चों में. ये ऐसा आ गया. हाँ जी भाई साहब, जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाओ बनाओ. तो जरा यहाँ क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये 1/2 रहेगा ऐसे. क्या माइनस लगा दूं, माइनस लगा दूं, लेकिन मैंने माइनस हटाया तो है नहीं, माइनस लगाया तो बाहर प्लस लगा दो. ध्यान रखना माइनस लगाया तो बाहर प्लस लगा दो, ताकि ये माइनस बाहर आए तो चीजें रीस्टोर हो जाए, चीजें रीस्टोर हो जाए. ठीक है, अंडू हो जाए. क्या हो जाए, अंडू. जीवन में अंडू हर जगह नहीं होता, अगर लाइफ में अंडू हर जगह हो तो लाइफ बहुत आसान सी हो जाए, है ना. जैसे आज मेरे साथ हुआ, मैंने एक पीपीटी बनाई बड़ी मेहनत से, उसने बोला कि सेव करना है, मैंने बोला नहीं करना, मैंने 9 दबा दिया, डिलीट हो गया सबको. 1.5 घंटे की पूरी मेहनत वेस्ट हो गई. तो अंडू हर जगह नहीं हो पाता, क्या करें. फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलो सबक तो मिला कुछ. 1/2, अरे कोई बच्चा आ गया था अचानक, वो बात करने लग गया, तो वो जल्दी जल्दी में हो गया क्लीन. हाँ जी बेटा बोलने जरा, क्या करोगे इसमें. जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाओ, 1 जोड़ दो उसमें और 1 ऐड कर दो. ठीक है, बड़े हिसाब से देखना है तुम्हें चीजों को. इसके बाद अलग अलग, इसके बाद अलग अलग. तो देख लो एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसी रहेगा, साइन इनवर्स एक्स ऐसी रहेगा, प्लस 1/2 ऐसी रहेगा. बेटा ये अलग अलग होगा तो ऐसे कुछ हो जाएगा, इसके अकाउंट में √1 - x² अलग और 1/√1 - x² अलग. बच्चा पार्टी यस और नो. बहुत बढ़िया. साइन इनवर्स एक्स ऐसी रहेगा, 1/2 ऐसी रहेगा. ये देख रहे हो ये ऊपर 1 पावर है इसकी और नीचे हाफ पावर है. तो 1 में से नीचे वाला हाफ माइनस होगा तो हाफ बचेगा, और हाफ का मतलब अंडर रूट. या तो ऐसे समझो या रैशनलाइज सिचुएशन हुआ, जैसे भी आपको समझ आता है वैसे समझो. ठीक है, कंफर्टेबल होने चाहिए बस. आप ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे, और ये पूरी बात वही है जो मैंने अभी पीछे नोट करके आपको बातें बताई थी. x² / 2 ऐसी लिख दो, x² / 2. ठीक है, थोड़ा छोटा कर देंगे. x² / 2 यहाँ क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1/2. चलिए जी लगाते हैं इसका इंटीग्रेशन. लगाना भाई जरा इंटीग्रेशन इसका, लगाओ बेटा इसका इंटीग्रेशन. इसका फॉर्मूला लगेगा x/2 अंडर रूट में सेम प्लस a² मतलब 1 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 4x. हो गया फॉर्मूला. इसका लगाओ अब इसका, इसका तो सीधा याद आ गया साइन इनवर्स और प्लस में क्या आ गया c. एनसीईआरटी से अगर आपको आंसर मैच करवाना है तो थोड़ा सा खेलना पड़ेगा इसके साथ. लेट्स प्ले. ठीक है, सवाल के साथ x/2 ऐसी रहेगा, 1 - x² रहेगा ऐसी. बच्चों देख रहे हो ये दोनों चीजें सेम सेम है, वो फुल है और वो हाफ है. वो क्या है, फुल, और ये क्या है, हाफ. तो यार फुल में से जब इसमें तो अंडू था, इसमें तो अंडू था, बच गए. ठीक है, तो ये देखो ये 1 है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 में से ये हाफ गया, तो मेरे ख्याल से माइनस का हाफ बचा. बोलो बच्चों यस और नो. यस सर. इस 1/2 को अंदर भेजो. ये देखो मैं एनसीईआरटी से ना मैच करवा रहा हूँ आपका आंसर. आंसर तो आपका आ चुका है, बस थोड़ा अरेंजमेंट रहता है. 1/2 अंदर गया तो ये 4 हो गया, दिस विल रिमेन एज इट इज. 1/2 दोबारा अंदर गया, 4 हो गया, क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. ये देख रहे हो ये और ये एक ही मोहल्ले के लोग हैं. ठीक है, तो इनको एक साथ लिख दो. एलसीएम क्या है, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 2, तो दोनों का एलसीएम 4 नहीं हो जाएगा बच्चों. और यहाँ पे देखो दोनों के अंदर ना साइन इनवर्स एक्स कॉमन है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2x² - 1. एलसीएम के बाद इन दोनों को जब मैं साथ में लिखूंगा तो साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, आई गॉट दिस. और बेचारा ये तो ऐसे ही है, तो कह रहे नो प्रॉब्लम, आई एम ओके. सो दिस इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बढ़िया है. कैसा लग रहा है भाई पार्ट, आसान है ना. तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इन क्वेश्चनों पे तुम्हें टाइम देना है. ठीक है, स्टार्टिंग वाले तो बहुत इजी थे, इन क्वेश्चनों पे तुम्हें देना है टाइम. अगला क्वेश्चन आ गया,
एक सवाल में बाय पार्ट एक से ज्यादा बार लगाया जा सकता है, जब तक लगेगा जब तक कि प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाए। आइए जरा इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बताओ जरा कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। ये तो है सेकंड और ये कौन है फर्स्ट। एक्सपोनेंशियल तो हमेशा सेकंड ही होगा, हमेशा यहाँ लिखना होता है बाय पार्ट। क्या लिखना होता है? लगाओ पहला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, यही रहेगा इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव 2x इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स यही रहेगा, साथ में क्या है ओ एम जी, अभी भी चीज है मल्टीप्लाई में, स्टिल बाय पार्ट अप्लाई होगा। कौन फर्स्ट होगा? ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना जरूरी है अगेन बाय पार्ट, बच्चों अगेन बाय पार्ट, ये ऐसी रहेगा, माइनस ब्रैकेट लगा दे करो हमेशा, ठीक है। प्ले सेफ, प्ले सेफ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस की। फर्स्ट एज इट इज ई एक्स का इंटीग्रेशन यही रहना है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x का 2 ई एक्स का इंटीग्रेशन यही रहना है। क्या अब भी बाय पार्ट लगेगा? नहीं, अब तो एक ही वेरिएबल है, 2 तो बाहर आ जाएगा ना, 2 तो कांस्टेंट है और जो बचा हुआ उसका इंटीग्रेशन हमें आता है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ई एक्स ऐसे ही, माइनस ब्रैकेट 2x ऐसे ही, ई एक्स ऐसे ही, माइनस 2 ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस में क्या आएगा? अंदर मल्टीप्लाई वगैरह, ये माइनस का साइन अंदर भेज दो, साइन चेंज हो जाएंगे एंड यू विल गेट आंसर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं जी, ये क्वेश्चन भाई वास्तव में इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बेटा वास्तव में इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा है, जरा ध्यान से देखो इस सवाल को। पहले देखो साइन इनवर्स है, क्या चीज है इसके अंदर? साइन इनवर्स। और आपको ये बात मालूम है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स इनके इंटीग्रेशन नहीं होते, तो बाय पार्ट का सहारा लेना पड़ता है, बाय पार्ट की हेल्प लेना बहुत जरूरी है, है ना। अब यहाँ पे दो चीजें तो है ही नहीं, यहाँ पर दो चीजें तो है ही नहीं, तो पहले इंटू में वन मान लू, बोलो बेटा इंटू में वन मान लू, मैं फाइव मान लो, लगाओ फाइव पार्ट लगाओ, बताओ कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना जरा इसके अंदर, ठीक है। ये सवाल देखो, जो आसान सवाल होते हैं जो इजी सवाल होते हैं उन्हें सिर्फ देखा करो, विजुअलाइज किया करो, ठीक है, फॉर्मूले याद किया करो, और जो मुश्किल सवाल होते हैं उन्हें लिख लिख कर रिटन में लिख लिख कर करा करो, जब ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरना आपको ना ये लगेगा मुझे आ गया मुझे आ गया, लेकिन वो छलावा है, वो धोखा है, वो एक तरह से आपके साथ धोखा हो रहा है, वो आया नहीं है। कब आता है? जब तक लिखित में ना हो जाए, रिटन में ना हो जाए, ठीक है। आसान को देख लो और मुश्किल को कर लो, और आंसर मैच करना बहुत जरूरी है, ठीक है, आंसर मैच करना बहुत जरूरी है। लगाओ जी इसके अंदर जरा बाय पार्ट लगाते हैं, पहला एज इट इज ओके रिपोर्ट है, वन का इंटीग्रेशन एक्स ओके रिपोर्ट है, इसका डेरिवेटिव चेन रूल से होगा भाई, टू आगे आएगा, साइन इनवर्स एक्स ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स का होगा तो वन माइनस एक्स, ये तो हुआ है फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब होगा इसका इंटीग्रेशन एक्स आएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन नंबर 12 भी है, 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी का, वो सिर्फ यही है, मैंने उससे भी एडवांस ले लिया, वो सिर्फ यहां से स्टार्ट है, तो यहां से स्टार्ट है तो आसान हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा? तो मैंने तो आपको बताऊंगा ये तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन, भाई x आगे लिख लो, साइन इनवर्स x रेज टू पावर 2 अरेंज हो गया, माइनस 2 का कोई काम नहीं है अंदर बाहर, x हो गया साइन इनवर्स x और ये ऐसे। अब यहाँ आ गई बच्चों इस्तेमाल 7.2 बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, लेट करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए 7.2 स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। चलिए जी देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो लेट कर लो यार, दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो और लगे हाथ तो यहां से एक्स की वैल्यू भी निकाल लो, टी मान लो और लगे हाथ तो यहां से एक्स की वैल्यू साइन टी आ जाएगी ना, ये इनवर्स अपनी जगह बदलेगा, तो फिलहाल डेरिवेटिव साइन इनवर्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में डी एक्स बराबर आ जाओ जी सवाल पे आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, आसान क्वेश्चन को देखा करो, मुश्किल को लिख लिख कर किया करो। देखो बेटा जहां पर साइन इनवर्स है, देखो ये जहां पर साइन इनवर्स है वहां तो आ गया क्या टी, तो ये तो हो गया टी, ठीक है जी ओके। जहां पर अकेला एक्स है, देखो ये रहा एक्स, वहां क्या आ गया साइन टी, तो यहां पे लिख दो साइन टी, टी इंटू साइन टी लिखो या साइन टू इंटू टी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता,
और देखो जहां पर ये है dx अपॉन ये सब, ये देखो सारा रिप्लेस हो गया किससे, डीडी से। इसके बाद बाय पार्ट, इसके बाद बाय पार्ट लगा दो जी। बाय पार्ट कौन फर्स्ट है, आई एल ए ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड, एल्जेब्रा फर्स्ट होगा, लगाओ जरा। तो बताओ था सवाल धमाकेदार या नहीं था, इम्पोर्टेंट है बेटा ये सवाल, लगाओ जरा। पहला एज इट इज हो गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस माइनस कॉस, तो माइनस हल्का सा देखो यहाँ लगाना है, आगे लगाना है माइनस, माइनस कॉस कॉस टी आएगा, फिर आएगा माइनस टी का डेरिवेटिव वन, नो नीड टू राइट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है, साथ में डी टी, ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, यही ले लेता हूँ। चलो मैं सेव, एक्स ऐसी रहेगा, साइन इनवर्स एक्स की पावर टू ऐसी रहेगा, माइनस है टू है, ब्रैकेट है बच्चों, इसके बाद देखो ये क्या है, माइनस है टी है कॉस टी है, इसके बाद क्या है माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी, प्लस में क्या आ गया सी, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। अब जरा देखना थोड़ा सा इसके अंदर ना खास बात है, देखो इसके अंदर ये चीज ना डिस्टर्बिंग है, देखो ये चीज कॉस टी, अगर मेरा सवाल साइन के अंदर है तो हर एक चीज साइन की होनी चाहिए, कॉस नहीं होना चाहिए, तो ये कॉस टी डिस्टर्बिंग है, जरा देखना और मुझे बताना कि आप लोग एग्री हो या नहीं है। माइनस टू रहेगा बाहर, माइनस टी ऐसी रहेगा, कॉस को बेटा ऐसे बोल दो वन माइनस साइन स्क्वायर टी, बोलो हाँ या ना, क्यों भाई रीजन बता दे, आइडेंटिटी कौन सी वाली, टेंथ क्लास वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वहीं से आई है, बस मेरा आंसर आ गया, बस मेरा आंसर आ गया। देखो ये तो x है, ये साइन इनवर्स x की पावर 2 है, नो इश्यू, बाहर माइनस का 2 नो इश्यू, टी की जगह साइन इनवर्स रख दो, साइन इनवर्स आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन टी की जगह x रख दो, आंसर आ गया, साइन टी की जगह x रख दो, प्लस में c, मुबारक हो, बल्ले बल्ले, बाकी सब बल्ले बल्ले, माइनस है ये माइनस है, माइनस रहेगा, बिल्कुल सही बताया, हाँ ये चीज ये देखो फॉर्मूला होता है बेटा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, अंडर रूट बन जाएगा स्क्वायर वहां जाके, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला सवाल आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है, होमवर्क आ गया, होमवर्क आ गया आपका, एक से लेके 15 तक है, इसके अंदर ज्यादातर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो मैंने बता दिए है ना वो भी आपको रिपीट करना है, वो मैंने बताए हैं आपने नहीं किए, ठीक है, समझ आ गए हैं पक्के नहीं हुए, ठीक है, आसान चीजों को देखना है मुश्किल को सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज 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 जो नए व्यूअर्स है प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है, थैंक यू बच्चों, लाइक शेयरिंग, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।